हेलो डियर, आज मैं सरसों और राई की खेती के क्रम में उसके बुआई का समय यानी सोइंग टाइम के बारे में चर्चा। सरसों या राई यानी रेप सीड और मस्टर्ड, जो मस्टर्ड और रेप सीड है, इसकी बुआई का उपयुक्त समय अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा, इसका मतलब फर्स्ट फोर नाइट ऑफ अक्टूबर, ये 1 से 15 अक्टूबर के बीच बुआई करनी चाहिए। और तोरिया या लाही जो है, इसके बुआई का उपयुक्त समय फर्स्ट फोर नाइट ऑफ सितंबर यानी सितंबर का प्रथम पखवाड़ा, या इसको कह सकते हैं 1 से 15 सितंबर के बीच तोरिया की बुआई कर देनी चाहिए। बीज दर या सीड रेट की बात है, सरसों और राई का बीज दर 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलोग्राम तथा तोरिया के केस में 1 हेक्टेयर में 4 केजी बीज की आवश्यकता होती है। बीज के बाद अब सीड ट्रीटमेंट यानी बीज उपचार, इसके लिए बॉबिस्टीन नामक फंगिसाइड यानी बॉबिस्टीन दवा 2.5 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से इसको उपचारित कर लेना चाहिए बुआई से पूर्व। बुआई की विधि, राई सरसों और तोरिया की बुआई की विधि में सबसे मुख्य चीज़ है स्पेसिंग, तो लाइन में बोना चाहिए, हल्के पीछे बोना चाहिए। सरसों और राई के लिए स्पेसिंग 45x10 से 15 यानी लाइन से लाइन 45 और पौध से पौध 10 से 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना चाहिए। अगर शुरुआत में पौधों की संख्या अधिक है तो कुछ समय बाद उसमें बिरलिंग करके, थिनिंग करके, बिरलन करके, उसको जो घने पौधे हैं उसको उखाड़ कर इसका पौध से पौध की दूरी को 10 से 15 सेंटीमीटर मेंटेन करना चाहिए। तोरिया के केस में ये स्पेसिंग रहेगा 30x10 सेंटीमीटर, अर्थात लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर। गहराई, सरसों के बीज और तोरिया के बीज को 2.5 से 3 सेंटीमीटर गहराई पे बोना चाहिए, इससे अधिक नहीं। जहाँ तक मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र या खाद और उर्वरक का सवाल है, तो बुआई से पूर्व 200 से 250 क्विंटल FYM फार्म यार्ड मैन्योर या गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। और जो NPK है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, वो सरसों और राई के केस में नाइट्रोजन 80 से 100 किलोग्राम, फास्फोरस 45 किलोग्राम और पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर जो नाइट्रोजन, अगर सिंचित एरिया में आप बुआई कर रहे हैं तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए। शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा को पहली सिंचाई के बाद, जो लगभग 40 से 45 दिन बाद होता है, और प्रयोग करना चाहिए टॉप ड्रेसिंग के रूप में। और जहाँ तक संभव हो फास्फोरस को सुपर फास्फेट के रूप में ही देना चाहिए, क्योंकि उसमें सल्फर होता है और इससे तेल की क्वालिटी पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ये जहाँ तक संभव हो फास्फोरस को सुपर फास्फेट के फॉर्म में ही देना चाहिए। यदि आप असिंचित दशा में बुआई कर रहे हैं तो संपूर्ण नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम की पूरी मात्रा बुआई के समय ही प्रयोग करनी चाहिए। तोरिया की केस में सिंचित क्षेत्र अगर है तो 60 किलो नाइट्रोजन और 30 किलोग्राम फास्फोरस, और असिंचित अगर है तो 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और 20 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। असिंचित क्षेत्र में पोटेशियम देने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट, सिंचाई, सरसों और राई वैसे मोस्टली असिंचित क्षेत्रों में इसकी खेती प्रायः की जाती है, लेकिन यदि सिंचित क्षेत्रों में खेती की जा रही है तो प्रथम सिंचाई फ्लावरिंग स्टेज पर, जो बुआई के 40 से 50 दिन के बाद आता है, और दूसरी दाना भरते समय, फलियों में दाना भरते समय सेकंड इरिगेशन करना चाहिए। तोरिया के केस में
पहली सिंचाई फ्लावरिंग स्टेज जो 25 से 30 दिन बाद आती है, और दूसरी सिंचाई दाना भरते समय करना चाहिए, और असंचित क्षेत्रों में सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, वीड कंट्रोल या खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए यदि संभव हो तो निकाई गुड़ाई करना चाहिए, नहीं तो रासायनिक हर्बिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए प्री प्लांट, प्री इमर्जेंस और पोस्ट इमर्जेंस तीनों कैटेगरी के हर्बिसाइड मार्केट में उपलब्ध रहते हैं। इसमें जो प्री प्लांट होता है यानी बुआई से पूर्व है, फ्लू क्लोरेलिन 1 किलोग्राम 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर बुआई से पूर्व प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है प्री इमर्जेंस। प्री इमर्जेंस में कई हर्बिसाइड आते हैं जैसे एला क्लोर, या लासो, टोकी 25, नाइट्रोफेन। इसकी मात्रा 800 से 1 किलोग्राम, इसकी मात्रा जो हर्बिसाइड एला क्लोर या लासो की 1 किलोग्राम मात्रा 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर बुआई के बाद लेकिन उगने से पूर्व, प्री इमर्जेंस का मतलब बुआई के बाद और उगने के पूर्व इसका छिड़काव करना चाहिए। इसी तरह एक और दवा है पेंडीमेथिलीन। पेंडीमेथिलीन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर बोने के बाद तथा उगने के पूर्व प्रयोग करना चाहिए। और जो पोस्ट इमर्जेंस दवा है आइसोप्रोटीरान। आइसोप्रोटीरान को 1 किलोग्राम मात्रा 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर उगने के बाद प्रयोग करना चाहिए। ये दवा जब तक पौधा 5 सेंटीमीटर का ना हो जाए तो नहीं प्रयोग करना चाहिए, उससे ज़्यादा ही ऊंचाई होने पर प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार ये सरसों की और राई सरसों की खेती के बारे में आज बताया गया, और इसमें प्लांट प्रोटेक्शन वाला पोर्शन या शेष पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।